हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज शुक्ला एंड लव आराध्या में आपका स्वागत है. सो गाइस, एज यू ऑल नो कि मेरे चैनल्स में आपको बहुत सारे बेबीज रिलेटेड, मॉम्स रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन दोज टाइप्स ऑफ वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड उसके पास एक बेल बटन मिलेगा, उसको भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. सो विदाउट एनी फादर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है माय बेबी स्किन केयर रूटीन. सो मेरी डुगू अभी 18 मंथ्स की हो चुकी है एंड जितना वो बड़ी हो रही है, मैं उतना नोटिस कर रही हूँ कि डुगू का स्किन जो है वो सुपर 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 ड्राई स्किन है एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट. सो आज का वीडियो में वही मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके बेबी का भी सुपर ड्राई स्किन है और नॉर्मली ड्राई स्किन भी है, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किया है एंड आई गेट अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. सो चलिए बात करते हैं उस प्रोडक्ट्स की जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ डुगू के लिए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम यूजिंग दिस बेबी वाइप्स, वेट वाइप्स, बिकॉज गर्ल्स एंड मॉमीज एंड डैडीज हू एवर वॉचिंग दिस, यू हैव टू नो दैट कि वाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज. बेबीज इधर उधर खेलते रहते हैं, किधर भी जाते रहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग देयर हैंड्स विद नॉर्मल एंड प्लेन वाटर, आई प्रेफर टू वाइप्स देयर हैंड्स एंड लेग्स एंड बॉडी, बिकॉज क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज वो कभी टॉयलेट में चले जाते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं और उनको इस सब की हैबिट लग जाती है. सो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि पानी के साथ खेलते हुए, वो इसलिए होता है क्योंकि हम वेरी फ्रिक्वेंटली उन लोगों को बाथरूम लेके जाते हैं एंड उनको वाटर से उनका हाथ मुँह पाँव कुछ भी धोते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, यू कैन यूज़ दिस वेट वाइप्स एंड दिस प्रोडक्ट पर मैंने अलग से रिव्यू भी बनाया हुआ है, सो प्लीज डू चेक माई चैनल टू सी दिस वीडियो. सो वेट वाइप्स इज मस्ट फॉर मी. नेक्स्ट, आई हैव यूजिंग सम ऑफ द ऑयल्स जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ. यस, आपने सही सुना, सम ऑफ द ऑयल्स मतलब मैंने बहुत सारे ऑयल्स यूज करती हूँ बेबी के लिए, मेरे बेबी के लिए, बट कुछ भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता था. सो नाउ आई एम स्टिकिंग टू थ्री ऑफ दोज ऑयल्स जो कि डुगू के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. सो फर्स्टली दिस इज हिमालय बेबी मसाज ऑयल, एज यू कैन सी दिस. सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यूजिंग. इसको मैं दिन में एक बार डुगू के फुल बॉडी पे मसाज करती हूँ एंड इसको जनरली मैं जब डुगू सो के उठती है तो फर्स्टली मैं उसका फेस जो है वो पानी से वॉश करती हूँ एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस ऑयल टू ऑल ओवर हर बॉडी, बिकॉज सुबह उठने के बाद आई नोटिस कि उसका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ है एंड अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर इज़ नॉट एनफ फॉर डुगू, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस हिमालय बेबी मसाज ऑयल. नेक्स्ट, उसके जब नहाने का टाइम आता है, सो आई एम यूजिंग दिस निर्मल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल. गाइज, एज यू ऑल नो कि कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर एवरीबडी स्किन एंड ये वाला जो कोकोनट ऑयल है वो डुगू के लिए बहुत अच्छा काम करता है. सो बिफोर बाथ आई एम यूजिंग दिस ऑयल टू डुगूज बॉडी एंड नेक्स्ट अनादर वन एंड द लास्ट वन, आई एम यूजिंग दिस फिगाड़ू ऑलिव ऑयल. इसको मैं मसाज करती हूँ डुगू के बॉडी पे रात को सोने से पहले जब वो सोने को जाती है एंड दिस बिकम अ हैबिट टू मी एंड फॉर डुगू कि उसको पता है कि रात को सोने से पहले मम्मा मसाज करती है एंड शी इज़ वेरी इंजॉइंग दैट टाइम. सो आई एम यूजिंग दिस फिगाड़ू ऑयल जो कि मैं रात को सोने से पहले उसके मसाज करती हूँ. नेक्स्ट, जब नहाना हो गया एंड मॉर्निंग में ऑयल हो गया, सो शाम को जब हम बाहर निकलते हैं, पार्क में जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, सो आई एम यूजिंग अ बॉडी लोशन, अ मॉइस्चराइजर फॉर डुगूस एंड दैट इज अ बेबी डव मॉइस्चराइजिंग लोशन. सो ये बहुत अच्छा होता है एंड ये 2 to 3 hours डुगू के बॉडी पे इसका काम चल जाता है एंड देन उसके बाद उसका सोने का टाइम हो जाता है, तो आई एम यूजिंग दैट ऑयल. सो दिस इज़ ओके फॉर मी.
नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हिमालया बेबी क्रीम जो कि मैं डुगू के फेस पे यूज़ करती हूँ ऑलवेज क्योंकि मुंह पे ऑयल आई डोंट रियली प्रेफर टू यूज़ दैट सो इसलिए ये मैं यूज़ करती हूँ हिमालया का बेबी क्रीम जो कि बहुत अच्छा है एंड प्लीज़ ये डुगू के लिए बहुत अच्छा है आपके बेबी के लिए शायद ये सूट ना भी करे सो प्लीज़ डू चेक ये प्रोडक्ट आपके बेबी को सूट कर रहा है कि नहीं एंड देन उसके बाद आप यूज़ कीजिए नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मामा आर्थ सनस्क्रीन लोशन सो ये जो सनस्क्रीन है वो बहुत अच्छा है तो कभी भी डुगू को लेके मैं बाहर जा रही हूँ बहुत ज़्यादा सन है सो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर माई बेबी एंड बाथ टाइम की बात करें सो आई एम नॉट अ पर्सन जो कि सोप ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हैं एंड डुगू के लिए क्योंकि डुगू का एज यू नो कि सुपर ड्राई स्किन है सो अ बिग नो फॉर मी सोप को मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ सो आई यूजिंग सोप वंस इन अ वीक सो मैंने बहुत सारे सोप्स यूज़ कर लिए ट्रस्ट मी ऑन दैट एक ऐसा भी कोई सा भी सोप अभी बाकी नहीं है जो मैंने डुगू के लिए यूज़ नहीं किया है एंड ऑल द रिजल्ट इज़ अ ज़ीरो क्योंकि कोई भी सोप डुगू के लिए अच्छा नहीं हो रहा था एंड देन आई फाउंड दिस वन दिस इज़ द बायोटिक का जो सोप है सो इसको मैं ऐसे इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसका जो बॉक्स है वो मेरी बेटी ने फेंक दिया है या तो कहीं छुपा के रखा है आई रियली कांट फाइंड द बॉक्स सो दिस इज़ द सोप इनसाइड यू लुक लाइक सो ये बायोटिक का सोप है सो ये बहुत अच्छा है तो ये मैं यूज़ करती हूँ वंस इन अ वीक फॉर डुगू एंड फॉर शैम्पू हर हेयर जो कि मैं एक्चुअली वंस इन अ वीक भी यूज़ करती हूँ वो आई एम यूजिंग दिस जॉनसन बेबी शैम्पू सो ये अच्छा होता है बिकॉज ये जो चीज़ें हैं गाइज मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऑयल है क्योंकि डुगू के स्किन के लिए ये चीज़ें उतनी काम नहीं करती हैं बिकॉज कि उसके हेयर ड्राई होते रहते हैं उसका हेयर को बहुत ज़्यादा धूल लग जाता है देन दैट्स वाई आई एम यूजिंग द दिस सोप एंड द शैम्पू एंड अगर वो ना हो तो आई रियली डोंट प्रेफर टू यूज़ ऑल दिस आई एम ऑलवेज अ लाइक मसाज हर बॉडी विथ ऑयल एंड ऑन हर हेयर सो दैट्स इट यही सारी चीज़ें हैं जो मैं डुगू के लिए यूज़ करती हूँ एंड मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट नोटिस किया है डुगू के ऊपर क्योंकि उसका स्किन धीरे धीरे मॉइस्चराइज होने लगा है थोड़ा सा ड्राइनेस कम होता आया है सो ये जो प्रोडक्ट से गाइज ये आप अपने बच्चों पे अगर आपका बच्चा 5 साल का या 6, 7, 10 साल का भी है सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट थ्रू योर बेबी अगर आपके बेबी को ये सूट करे तो सो डू चेक दिस प्रोडक्ट बिफोर यूजिंग दिस टू योर बेबी क्योंकि किसी किसी बच्चे का स्किन बहुत एलर्जेटिक होती है तो सबको सब चीज़ें सूट नहीं करते सो फॉर दैट प्लीज टेक अ ड्रॉप ऑफ बीट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर सपोज टू यूज उसको अपने बेबी के हैंड पे रखिए थोड़ा सा मसाज कीजिए एंड देन यू चेक कि वो उसको सूट कर रहा है कि नहीं अगर सूट कर रहा है देन यू प्लीज कैरी ऑन अगर नहीं सूट कर रहा है सो वो प्रोडक्ट आप बिल्कुल यूज ना करें सो अगर मेरी एडवाइस लेंगे सो प्लीज बाय अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ द एनी ऑफ द प्रोडक्ट जिसको आप यूज करना चाहते हैं तो उस ताकि अगर आपको बेबी को वो सूट ना करे तो यू कैन रिप्लेस देम विद अनदर वन और आपको उतना प्रॉब्लम भी ना हो क्योंकि पहले ही इतना बड़ा खरीद लिया और बच्चे को सूट नहीं किया तो क्या फ़ायदा सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो आप प्लीज़ बताइए कि आप अपने बच्चे के ऊपर क्या यूज़ करते हैं अगर इनमें से कोई चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं और उसमें आपके बच्चे को कितना अच्छा रिजल्ट मिला वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल और तब तक के लिए बाय बाय बी हैप्पी कीप स्माइलिंग बाय गाइज